यस। तो आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले एक क्वेश्चन जो 2019 के एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक आपको पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है जो रिप्रेजेंट करता है गांधी जी की 150वीं जयंती। तो पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से कैसे सोचना है, किस तरीके से आपको पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है, ये सब चीजें मैं आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ। नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। यस दोस्तों, आज के क्लास में जैसे कहा था कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से सोचते हो, आप ठीक तरीके से उसको समझते हो, तो ये बहुत क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यस, तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चीजें हाईलाइट करनी है जो हमें इम्पोर्टेंट देनी है, क्योंकि डिजाइन करने के टाइम पे हमें हमेशा एक प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज बड़ी रखनी है, कौन सी मीडियम साइज में और कौन सी छोटे साइज में। तो ये प्रायोरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम रीड कर रहे हैं उसी टाइम पे कुछ चीजें जो है वो हम हाईलाइट करते हैं, जैसे कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसके बारे में है? तो यस, महात्मा गांधी जी के बारे में है, तो वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो ये दो चीजें सबसे ज्यादा आपके डिजाइन में हाईलाइट होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड चीज जो आती है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन डिजाइन कर रहा है, किसके लिए डिजाइन कर रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये डिजाइन की जा रही है पोस्टल स्टैम्प। और थर्ड थिंग, अगर ये पोस्टल स्टैम्प है तो ऑब्वियसली जो चीज आती है कि उस स्टैम्प की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा हुआ है 20 रुपीज के लिए ये स्टैम्प आपको डिजाइन करना है, तो वो 20 रुपीज भी वहां पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में उन्होंने कहा है उसको कलर भी करना है। तो यस दोस्तों, ये कलर करने के टाइम पे भी कुछ चीजें हमें सोचनी है, जैसे कि ये पोस्टल स्टैम्प है तो उसका मास प्रोडक्शन होगा और जो उसकी वैल्यू जो होती है वो 20 रुपीज के हिसाब से कम वैल्यू में वो प्रिंटिंग कॉस्ट निकलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें वहां पे काउंट की जाती है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, आप एंड प्रोडक्ट के बारे में कितना सोचते हो। तो यस, ये चीजें थी स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग ने देखा कि इम्पोर्टेंट दिया है फर्स्ट तो 150th बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लास्ट कलरिंग पार्ट। तो कलरिंग पार्ट में आपको ड्राई कलर्स यूज करने हैं और उसके साथ अगर आप मोनोटोनस कलर स्कीम यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस तरीके से ही मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स होते हैं। कुछ ऑप्शनल है जहाँ पे एक स्पेशल स्टैम्पिंग होता है तो वो कलरफुल किया जाता है, बट यस डेफिनेटली वो हमें सोचना है कि कलरिंग कॉस्ट के हिसाब से वो 1 कलर और 2 कलर होना चाहिए। तो यस दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे स्टार्ट करने से पहले, और ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है वो है हमें क्विकली स्केचेस और क्विकली थंबनेल्स बनाने हैं। यस, 2 थंबनेल्स कम से कम बनाने हैं ताकि आप जो भी चीजें रखी हुई है उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, किस चीज को एम्फोसाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है, उनको कितना बड़ा या छोटा रखना है, वो सब चीजें आप उसके अंदर, आपके थंबनेल्स के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो। तो ये दोस्तों, यहाँ पे आप पेज देख रहे हो जहाँ पे मैंने भी कुछ थंबनेल्स किए थे, और मैंने ऑलमोस्ट 3 थंबनेल्स किए यहाँ पे, और तीनों के तीनों काफी अच्छे टर्नआउट हुए हैं। और यस, मैं ये तीनों के तीनों आपको फाइनल करके दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। और आज के क्लास में जो करने वाला वो फर्स्ट थंबनेल है, जो हालांकि सिंपल और क्लीन थंबनेल्स में जिसको बोल सकता हूँ। सेकेंड वाले में आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे कुछ डायनामिक पर्सपेक्टिव डालने की मैंने कोशिश की हुई है, और कुछ सेलिब्रेशंस के आइकॉन्स यूज किए हुए हैं।
और जब हम थर्ड थंबनेल्स के बारे में बात करते हैं तो यस, थर्ड थंबनेल में भी काफ़ी डेप्थ क्रिएट की हुई है और इंटरेस्टिंग तरीके से जो एलिमेंट्स है उनको प्लेस करने की कोशिश की है। यस, ये तीनों के तीनों थंबनेल के साथ में अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। तो चलो, स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस आपको रिमाइंड कर दूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यस, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले ऐसे वीडियो जो है वो आप मिस नहीं करोगे। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे मेल कीजिए, मैंने मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फॉलो करते हैं फर्स्ट थंबनेल और उसके हिसाब से हम जो है हमारा फाइनल आर्टवर्क पोस्टर स्टैम्प जो है उसको डिजाइन करते हैं। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर। यस दोस्तों, तो हम हमारा जो पहला थंबनेल है उसको हम फॉलो करने वाले हैं और उसमें आप देखोगे तो कुछ चीज़ें प्रायोरिटी वाइज छोटी और बड़ी की हुई है, तो उसको फॉलो करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ड्राइंग करना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत लाइटली कुछ लाइंस कुछ ड्राइंग्स आपको करने चाहिए, आपके आपका प्लेसिंग ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखने के लिए। तो जो भी आप ड्राइंग करोगे तो आपको एक आदत होनी चाहिए कि आप लाइटली ड्राइंग करके पहले पूरे पूरे पेज पे या पूरे जो एरिया आपको दिया गया है उसके अंदर आप उस ड्राइंग को बिठा दें और फिर उसी के ऊपर आप आपका फाइनल ड्राइंग क्लीन ड्राइंग जो है आप कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक इस एरिया में जो है गांधी जी का फेस हमें बिठाना है। फिर ये जो एरिया है स्पेसिफिकली उस एरिया में हमें 150 उसको ड्रॉ करना है। तो शायद इस गांधी जी के फेस को शायद हमें यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करें तो यहाँ पे हमें ये स्पेस मिल जाएगी 150 प्रॉपरली लिखने के लिए। और यस, ये ऊपर की तरफ से जो है हमें कुछ स्पेस छोड़ के कर्व लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे हम लिखने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी जो कर्व्स के लाइंस है उसको फॉलो करते हुए आप आपके टेक्स्ट को लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट हो जाएगा, फिर आपका जो 150 है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो उसको भी ड्रॉ करते हुए जो थिकनेस है उसको मेंटेन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए काफ़ी टेक्स्ट की जो प्रैक्टिस है टाइपोग्राफ की प्रैक्टिस करनी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जीरो का पोर्शन हम कुछ गांधी जी के फेस के पीछे ऐड करने वाले हैं, तो डजेंट मैटर वो थोड़ा पीछे जाएगा। तो और फिर यहाँ पे फेस के तरफ आते हैं, यहाँ पे फेस जैसे मैंने कहा था अगर आप रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो क्विकली जो आपके पास टाइम दिया गया है उसके अंदर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप एक ग्राफिकल एलिमेंट उसका जो है वो ग्राफिकल अप्रोच के हिसाब से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि गांधी इट इज एक पोस्टल स्टैम्प, तो उसमें ग्राफिकली भी उनका जो फीचर्स आप डालोगे तो भी वो चल सकता है।
उनकी जो टिपिकल आइडेंटिटी, उनके जो ग्लासेस थे वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे उनको दिखाना। तो इस तरीके आप गांधी जी का फेस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और फिर आपको इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सेंटर में ही जो 20 रुपीज़ है उसको भी लिखना है, तो वो भी आप काफ़ी बड़े इसमें लिख सकते हो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि वो स्टैम्प तो है बट उसकी वैल्यूज़ क्या है। अगर वो पता नहीं तो फिर स्टैम्प का कोई भी यूज़ नहीं है। तो आपको इस तरीके से क्विकली जो है फॉन्ट को ड्रॉ करने आना चाहिए। और अभी जो ये स्पेस बीच में बची हुई है वहाँ पे हमें लिखना है बर्थ एनिवर्सरी। जो हम लोग ने हाईलाइट किए थे पॉइंट जो इसके अंदर आने चाहिए वो सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यस, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। पहले तो लॉन्ग जो फॉर्मेट था वो हमने लिखा, अभी जो यहाँ पे बर्थ लिखना है जैसे कि अलाइनमेंट के यहाँ से मुझे लगता है बर्थ यहाँ पे फिट हो जाएगा। और यही सब चीज़ें हम लोग थंबनेल में भी की थी कि थंबनेल में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे टेक्स्ट को प्लेस करना है, कितना छोटा या बड़ा करना है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट हमें ऐड करना है जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जनरली स्टैंडर्ड काफ़ी जगह पे यूज़ होता है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे के पूरे स्केच को पहले कंप्लीट किया हुआ है, और क्विकली अभी इसमें कलरिंग, जैसे कि यहाँ पे कलरिंग करने के लिए कहा हुआ है, तो यस कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम तो उनको जो ड्रॉ किए उन चीज़ों को आउटलाइन करेंगे, और कुछ कुछ जगह पे फिर कलरिंग पार्ट करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके टाइम को मैनेज करना, आपके टाइम के हिसाब से आपको प्लान करना है कि कौन कितना कलर करना है। यस, बट ओवरऑल आउटलाइंस और ये सब चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। सो टेक्स्ट जनरली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली ब्लैक पेन से ही कीजिए। उसके अंदर भी फिनिशिंग आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं थिकनेस दे रहा हूँ उसको, सॉर्ट ऑफ शैडो, क्योंकि वो ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसी को ही हमें हाईलाइट करना है। जब ड्राइंग क्लीन कर रहे हैं तभी भी ध्यान में रखिए कि कौन से एरिया को हम लोग करना है, कि आउटलाइंस कौन से फोरग्राउंड में है, बैकग्राउंड में, वो सब चीज़ें सोच के ही हमें करनी है। तो यस, इस तरीके से आप पूरे के पूरे इसको आउटलाइन कर सकते हो, या कुछ चीज़ें कलर भी कर सकते हो, बट आपका ब्लैक एंड व्हाइट अगर आउटलाइन क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें हमने कलर के लिए क्लियर हो सकती है। सो इमिजिएटली अभी जो है वो पेंसिल के सब लाइंस है उसको मैं मिटा दूंगा। सो हमारे लिए कलरिंग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्लियर पिक्चर हो जाएगा। तो जैसे हम कलरिंग की बात करते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक पोस्टल स्टैम्प है, उसकी कॉस्ट जो है कम होती है। जैसे कि ज़्यादातर क्या आपने देखा होगा, तो एक मोनोटोनस कलर होता है उसके ऊपर, ब्लू, रेड और ऑरेंज कुछ भी हो सकता है, और मैच टू मैच अगर कोई स्पेशल स्टैम्पेज है तो उसके लिए जो है वो दो कलर्स, टू टोन जिसको कहा जाता है, वो यूज़ किया जाता है। तो ये भी ध्यान में बहुत ज़रूरी रखना है कि क्वेश्चन जो पूछा हुआ है
कलरिंग के लिए बोला है, बट कलरिंग के टाइम पे आप कितना ऑब्जर्वेशन के साथ, कितनी सोच के साथ उस कलर्स को यूज कर रहे हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कलरिंग करने के लिए बोला है तो आप मल्टी कलर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये उसका एंड पर्पस क्या है वो ध्यान में रख के ही उसको सोचना चाहिए, उसको उस हिसाब से कलरिंग करना चाहिए। तो फिलहाल हम दो कलर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो है ऑरेंज और रेड। तो उसी के साथ सब चीज़ों को लाइट और डार्क हम लोग कलर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पूरे के पूरे इसको मैं लाइटली ऑरेंज का एक टोन जो है वो यहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट शेड है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, और ड्राई कलर्स यूज़ करने हैं। ये जो 150 का जो है वहाँ पे मैं वाइट ही रखूँगा उसको। बाकी एरिया में तो मैं पूरी की तरह ये ऑरेंज का पूरा शेड जो है वो फील कर सकता हूँ। यहाँ पे भी गांधी जी के भी फेस के ऊपर ये पूरा का पूरा ऑरेंज कलर हो जाएगा। उसमें हम थोड़ा सा शेडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये लाइट टोन में आपका जो है पूरा का पूरा स्टैम्प रेडी हो गया। उसके साथ हम गांधी जी के जो कुछ एरियाज है वहाँ पे हम उसको डार्क करेंगे और शेडिंग करने की कोशिश करेंगे हल्का सा। अगेन मैं कहूँगा कि आपको टाइम कितना अलाउड है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है आपके टाइम को। अगर टाइम अलाउड करता है तो यस डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स की तरफ जा सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन दिया था उसको रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो बर्थ एनिवर्सरी लिखा हुआ है उसको भी मैं रेड में कलर करूँगा। तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने उसके आउटलाइंस ड्रॉ किए थे और बाकी का एरिया छोड़ दिया था। तो अगर आउटलाइन करते हैं तो क्विकली इस तरीके से कलरिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और फिनिशिंग भी रहेगी और ओवरऑल पिक्चर भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं जो है 20 रुपीज़ को थोड़ा सा ऑरेंज शेड का ही डार्कर शेड यूज़ करता हूँ। तो कम से कम कलर के साथ उन्हीं के सेम कलर के टोन्स को यूज़ करके, लाइटर डार्कर टोन यूज़ करके हम इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कुछ शैडो पोर्शन भी यहाँ पे और इंटरेस्टिंग करने के लिए आप डाल सकते हो, बट अगेन टाइम के हिसाब से, इफ यू हैव अ टाइम देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मोर एंड मोर डिटेल्स। और इसको और इम्पोर्टेंट देने के लिए ये कुछ लाइंस, तो यस दोस्तों, इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि 150th बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी का जो है उसके ऊपर स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प बनाना है, तो वो हम लोग ने इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है।
यस दोस्तों, तो ये था गांधी जी की 150वीं जयंती पर डिजाइन किया हुआ स्टैम्प, और आशा करता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्लास के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हुआ है तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, और आपके जो भी क्वेरीज है उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यस, फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक मौका है जहां पे आप क्विकली सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो, तो आने वाले सब इवेंट्स के बारे में और मेरे क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी मैं एक क्लास ले लूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं जरूर कोशिश करूंगा उन टॉपिक पर भी क्लास डिजाइन करने का। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाते रहिए, स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।